बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आगा मसूद हुसैन और मेरा प्रोग्राम है मरूज़ फ़र्दा। आपको मालूम है कि IMF से माहिदे के बाद कम अज़ कम दो चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के आवाम के लिए बड़े इंतहाई परेशान कुन हैं। पहला ये कि बिजली के नरखों में इजाफा होगा, दूसरा गैस के नरखों में इजाफा होगा। आप मुझे बताइए कि जब बिजली के नरखों में और गैस के नरखों में इजाफा होगा तो आपकी इंडस्ट्री किस तरह चलेगी और किस तरीके से जो है आवाम जो है ना बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। पहले भी आपको मालूम है कि बिजली के बिल जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और वो लोगों पर आ रहे हैं और लोग परेशान हैं कि किस तरीके से बिजली के बिल अदा करें और कोई इस सिलसिले में सुनने वाला नहीं है। हालांकि लोगों की परेशानी जो है अखबार की सूरत में, तकरीरों की सूरत में, तबसरों की सूरत में लोगों तक और हुकूमत तक पहुँचाई जाती है, लेकिन यह है कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता और लोग मजबूरन बिजली का बिल अदा करते हैं वरना बिजली कट जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माहिदा हुआ है IMF के साथ, इस तरीके से पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है IMF में और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक माशी खुद मुख्तारी है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की जन्नत में रहता है। हकीकत यही है और अभी तो सिर्फ मैंने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया है। एग्रीकल्चर टैक्स के सिलसिले में जो आपकी खिदमत में बताऊँगा तो आपको हैरत होगी। हालाँकि हुकूमत ये कहती है कि हम एग्रीकल्चर पे कोई नए टैक्स नहीं लगा रहे। अरे भाई, जो आप तो वो टैक्स लगा रहे हैं कि जो IMF ने किए हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स ही समझ रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा या पाकिस्तान में कोई खुशहाली आएगी, मुमकिन नहीं है। देखिए, जब तक के आवाम खुश नहीं है, आवाम की समाजी हालात ठीक नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, सकाफ़ती हालात ठीक नहीं है, उस वक्त तक मुल्क जो है मुस्तहकम नहीं हो सकता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितने ही बयान दे दें, कितनी ही कमेटीज़ बना लें, उसका कोई असर नहीं होता। और महंगाई का आलम यह है कि यही मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ साहब के कहने पे बाकायदा मतलब जलसे निकालते करते थे, जुलूस और तहरीकें चलाते थे कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। आज इनको इख्तदार मिल गया है, ये मज़े से इख्तदार के मज़े लूट रहे हैं और इनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि महंगाई से एक आम आदमी किस तरह मुतासर हो रहा है, किस तरीके से वो अपना घर चला रहा है, किस तरीके से महज का तबका जो है अपने जिस्म जान का रिश्ता जो है वो बरकरार रखे हुए। यही वो लोग थे जो कहते थे कि हम इख्तदार में आएंगे तो हम बाकायदा महंगाई को कम करेंगे। अब इन्हें इख्तदार मिला और आपको मालूम है कि इनको इख्तदार किस तरह मिला है। अब ये जो है उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हर एक जो है वज़ीर बन गया है, वज़ीर बनने के बाद खूब पाकिस्तान से बाहर जो है दौरे हो रहे हैं। उन दौरों के क्या नतीजे निकल रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस ये हुआ है कि हमने खुशामद करके किसी तरीके से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर IMF से माहिदा कर लिया है और ये माहिदा जो है ये पाकिस्तान को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएगा, मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो है सूरत हाल ख़राब करेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर बाशऊर लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की सोसाइटी को समझते हैं और जो हुकूमत की कारकर्दगी पर निगाह रखते हैं, उनको मालूम है कि ये जो माहिदा हुआ है ये माहिदा पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि फिर क्या किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल का ये है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे, अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दे और इसके साथ साथ एक ऐसा मजिस्ट्रेटी निज़ाम कायम करे ताकि जो लोग मौजूदा सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी तादीद की जा सके। और जब महंगाई कम होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से टैक्स भी अदा कर सकेंगे। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में आवाम के लिए टैक्स अदा करना एक मुश्किल तरीन मरहला है और ये मरहला जो है मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के 90% आवाम को दरपेश है। इस पर ज़रा सोचिए और इस पर कोई कदम उठाइए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।